बाजी खेलिला बीजेपी। निर्वाचन पूर्वरु आसिला नागरिक संशोधन आईन, सीएए लागू हेबार समय को नहीं बढ़िला चर्चा। देश साधारण निर्वाचन नहीं राजनीतिक उष्मता मध्यरे मोदी सरकार सोमवार संध्यारे नागरिकता संशोधन आईन बा सीएए लागू करिछंती। 2024 लोकसभा निर्वाचन राजनीतिक मैदान को ओह्लैबा पूर्वरु मोदी सरकार सीएए को कार्यकारी करी निजर हिंदुत्वर आउ एक एजेंडा को आग को बढ़ाई। यहाँ नहीं सारा देश में किसी स्थान में स्वागत कर स्थान विरोध। सीएए अधीन पाकिस्तान बांग्लादेश और आफगानिस्तान अण मुसलमान मानक नागरिकता मिल जो एका सांगे अनेक राजनैतिक स्वार्थ पूरण कर रणनीति रही। पश्चिमबंग और आसाम राजनीति में यह आईन सबुठारु अधिक प्रभाव पकाइबाकु जाउछि बोली कहा जाउछि। आउ एहि आईन लागू करी बीजेपी एबे सीएए को बाजी रे लगाइछि। विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा मात्रे पश्चिमबंग रे बीजेपी और मतुआ संप्रदाय मध्यरे खुशीर माहौल देखिबाकु मिलिथिबा बेले आसाम रे ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन प्रतिवाद करिबा सह आंदोलन को जोरदार करिबाकु घोषणा करिछि। 2019 दिसंबर में ये जब सीए कानून पारित हुआ था उस समय भी हमारे पार्टी सीपीआईएम ने उसका विरोध किया और विरोध का आधार ये था कि हिंदुस्तान की नागरिकता कभी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया है और जिस रूप में ये कानून लाया गया था वो बहुत ही भेदभाव आधारित था। आज जब पता चला कि वो पूरा नोटिफिकेशन करके वो सारा कुछ लागू कर रहे हैं उसका भी हम उतना ही विरोध करते हैं। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू बौद्ध जैन इस सारे सिख इस सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा सीएए देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, देश के मुस्लिम से इसका कोई लागू नहीं होता। इसका एक और एकमात्र उद्देश्य है जो पड़ोसी देशों में पीड़ित हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, वो भारत में आए तो उनको सहूलियत मिले, ये उसी के लिए। पश्चिमबंग रे बदलिबो राजनीतिक पटचित्र। एकाठी हेबे कि अण बीजेपी शासित राज्य सीएए पश्चिमबंग रे बीजेपी रो निर्वाचनी प्रतिश्रुति। अमित शाहक ठारु आरंभ करी प्रधानमंत्री मोदी को पर्यंत बेंगल रे सीएए लागू करबा कथा कहउछंती एवं एबे विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा परे बीजेपी एहार फायदा पाइबो बोली आशा रखिछि। सीएए लागू हेले पाकिस्तान बांग्लादेश और आफगानिस्तान रु भारत को आसुथुवा अण मुसलमान शरणार्थी को नागरिकता मिलिबो जेउथरे बंगलार मतुआ संप्रदाय को सबुठारु अधिक फायदा मिलिबो। राज्य में मतुआ संप्रदायर जनसंख्या अधिक। 2019 बीजेपी मतुआ संप्रदाय को प्रतिश्रुति देइथिला जे सीएए सेमानकु नागरिकता प्रदान करिबो। पश्चिमबंगरे पाखापाखि 1,80,00,000 मतुआ भोटर रहिछंती जेउमाने कौनसी दल सपक्ष में गले विजय आशा अधिक। पश्चिमबंग में 42 लोकसभा आसन 4 लोकसभा आसन संप्रदाय निर्णायक भूमिका ग्रहण करुछि। मतुआ संप्रदायर लोके दीर्घ दिन धरी स्थायी नागरिकता दाबी करि आसुछंती। एमाने हेउछंती हिंदू शरणार्थी जेउमाने देश विभाजन समय एवं ता पर दशंधि मध्यरे बांग्लादेश रु भारत को आसिछंती। मतुआ संप्रदाय भली राजवंशी संप्रदाय मध्य सीएए रु उपकृत हेबे। राजवंशी माने मध्य हिंदू अटंती। 1971 परठारु एही लोकंकु नागरिकता मिलिना। एमानकर प्रभाव पश्चिमबंगर 4-5 लोकसभा आसन रे रहिछि, अर्थात मोट आसनरु 1/4 आसन बीजेपी को लाभ देई पारे। अन्यपटे एहाकु विरोध करी आसाम रे विक्षोभ प्रदर्शन देखिबाकु मिलिछि। सेपरि अण बीजेपी शासित राज्य सीएए को विरोध करी निज निज राज्य रे लागू करिबाकु देई न पारन्ति।
हमारा जो भाषा है, हमारा जो यूनिटी है, ये सब में जो दबाव डालने का जो प्रयास कर रहा है, ये सरकार का जो तानाशाही चल रहा है, इसका हम लोग खिलाफ कर रहा है। हमारा जो असामी, असम का जो 72 जो असामिया जो जाति हमारा कम्युनिटी है, इसको बस उन लोग दबाव में रखने वाला जो काम कर रहा है, उसका हम लोग खिलाफ कर रहा है। हमारा या जो यहाँ का जो असम का जो इरोशन में जिसका गृहहीन जो परियाल है, जिसका वो भूमि नहीं है, इन लोगों को सेटलमेंट नहीं देने के मैंने ये पहले उन लोग दूसरा कंट्री से वो लाके उन लोग को जो सिटीजनशिप देने का जो चुनाव का जो ये जो रिलीजियस मेरू पोलराइजेशन करने का जो कर रहे हैं, उसका हम लोग खिलाफ है। 3 तलाक उच्छेद, धारा 370 उच्छेद करिबा परे मोदी सरकार सीएए लागू करी निज एजेंडा को आउ पादे आगो को बढ़ाई, जहाँ को बीजेपी कही निर्वाचन प्रतिश्रुति पूरण करुछंती सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।